नाजरीन, आजकल एक दूसरे को जान से मारना या जान से मारने की धमकियां देना या फिर ब्लैकमेल करना बड़ा आसान हो गया है। तेलंगाना हुकूमत ने इतनी पुलिस सख्त होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कत्ल गारतगिरी या फिर एक दूसरे को डराना धमकाना आम बात हो गई है। क्या इसकी वजह पुलिस की खामोशी है या फिर पुलिस की कमजोरी है? क्योंकि इस तरीके से खुलेआम वेबसाइट्स पर हो या फिर सोशल मीडिया पर धमकी आमेज खत मौसूल होना या फिर कॉल मौसूल होना, फिर उसके बावजूद भी वो खुलेआम फिरना, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसी तरीके का एक वाकया ऊपरपल्ली में पेश आया है। हमारे नुमाइंदे सैयद जाकिर की तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि दामोदर अड्डी नामी एक बहुत बड़े जमीन के ताजिर है। इस तरीके से वो जमीन की तिजारत में काफी मशहूर मारूफ भी नाम रखते हैं। इन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस तरीके से इन्हें जान से मारने वाला जो भी है उसने इन्हें मैसेजेस के जरिए और कॉल के जरिए बताया कि उन्हें मारने के लिए 1 करोड़ रुपए फरौती दी गई है। अगर वो उससे बढ़कर देते हैं तो उसे वो जान से नहीं मारेंगे। इस तरीके के तमाम सबूत सोशल मीडिया के वेब पेज पर और व्हाट्सएप पर भी डाले गए हैं। दामोदर रेड्डी ने इस बात की इत्तला मिलते ही फौरन तमाम अपनी हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं और इन्होंने जो भी पैराई अमल काम किए हैं वो तमाम सबूत मीडिया के सामने पेश कर दिया है। इस तरीके से बताया जाता है कि चेवेल्डा के साबित एमएलए का भी नाम इन्होंने सामने मीडिया के जाहिर किया है कि इन्हें जान से मारने की धमकी इसलिए दी जा रही है कि वो बहुत बड़े लैंड का एक माफिया चल रहा है, अगर उन्हें वही रास्ते से हटाने के लिए इस तरीके से फरौती दी गई है। बैरगर इस तरीके से सोशल मीडिया पर जान से मारने की खुलेआम धमकी देना और फिर आखिर उनके घर तक हमलावरों का पहुंच जाना, ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। क्या अब इनकी पुलिस हिफाजत करेगी या फिर इन्हीं के साथ वही मामला पेश आएगा? आइए जानते हैं दामोदर रेड्डी की इन्हीं की जबानी से तफसीलात। सामा दामोदर रेड्डी, मैं रियल इस्टेट बिजनेस करता हूँ। मैं आतापुर रिंग रोड ऊपरपल्ली में रहता हूँ। हमारे लैंड चैतन्य रिसॉर्ट बोल के शंकरपल्ली मंडल में है, एक रिसॉर्ट है। हमारे रिसॉर्ट में जमीन है बहुत सारे, वो हिसाब से बिजनेस कर लेते रहता हूँ। मैं ये लोग थोड़ा ये पर्सन क्या है कि जना अनोन कॉल से हमारे को फ़ोन करा, तुम्हारे को ఏమంటారు కి సంపేది అది ఏమన్నారు టోక్ దాల్తో తుమారకు టోక్నే కా అమారకు సఫారీ సఫారీ ఆయా 1 కరోడ్ కా ఇస్మే 50 లాఖ్ రూపాయ మిలా ఫిర్ ఏక్ 50 లాఖ్ మిల్నే వాలా హై వో 50 లాఖ్ మే తుమారకు టోక్ దేకే ఫిర్ 50 లాఖ్ రూపాయ ఉదర్ లే లేతే తుమారే జో భీ హై 27 కే అందర్ తుమారే డెడ్ లైన్ హై ఇస్కే అందర్ తుమ్ అమారకు పైసే దియే తో तुम्हारे को छोड़ देते। अगर वो 50 लाख रुपए तुम दिए तो, अगर 1 करोड़ दिए तो उनका प्रूफ भी दे तुम, मैं फोन तुम्हारे को मारो मार डालो बोल के सफारी दिया, उनका प्रूफ भी दे दे तुम। तुम ऐसा करते क्या करते करो, ये सब हमारे पास पिक्स है तुम्हारे भिजा रहा हूँ। एक रिवॉल्वर भिजा है 50 लैक्स का कैश बताया फोटो में, क्रिमिनल्स का फोटो भिजा है, एक फॉर्चुनर गाड़ी। सर आपको अननोन पर्सन से कॉल आया, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ है क्या आपके पास? नहीं, हमारे आईफोन में नहीं आता बोल के ना समझा, मैं नहीं आता कहते मेरे को। उसका नाम वगैरह कुछ मेंशन किया क्या? नाम कुछ भी नहीं बोले, ऐसा ऐसी चीज थोड़ा बिहारी मराठी ऐसा भाषा जैसा दिखा ठोकने का बोले तो अपने हैदराबाद वाले कोई भी ऐसा बात नहीं करते, ठोकने का ठोक तुम ऐसा भाषण में बात करा। मैं समझा आप देखो बाबू हम तुम कौन है कि हम कौन है कि मगर तुम ऐसा कैसा मेरे को टोक तुम कर तुम मेरे 50 पेटी दो ऐसा कहीं को बोल रहे। हम बुढ़े आदमी है, घर में पड़े रहते, हम भी बाहर भी नहीं जाते, पंचायत कोटलाटो में उसमें नहीं जाते, तो ऐसा कहीं को बोल रहे बाबू। बोले तो एक बड़ा आदमी का इज्जत निकाले तुम, स्वास्थ्य में उन्होंने सुपारी दिया तुम्हारे टोक दो बोल के हमारे 50 पेटी मिला ऐसा बोल के ये सब तुम्हारे को फिर कट कर दिया। कॉल कब आया था आपको? 3:30-4 o'clock के बीच में आया। 24th को लिखाने गए तो कोई भी नहीं है, फिर वापस आए, फिर दूसरे दिन गए कंप्लेंट बड़े ऑफिसरा नहीं है राइटर रहे तो उनको लिख के दे दे के आए। उन लोगों बोले किसके ऊपर डाउट रहे तो भी बड़े साहब लोग रहे जब बोले तो अच्छा है रिवॉल्वर वगैरह है, फिर कल आते साहब लोग आग बोल के बोले कंप्लेंट तो ले लिए हमारे कर्नालमेंट भी दिए। वो लोग दूसरे दिन बोले तो आज गए हम,
कहे तो साहब एसीपी साहब मिला, सीआई साहब मिला, पूरे देख लिए, ये सब लिए डिटेल पूछे, हम भी पूरा बताए, हमारा कुछ भी नहीं सब डाउट। तो हमारे को लैंड में थोड़ा डिस्प्यूट होने, जीवन रेड्डी से है, आरमूर एमएलए माजी एमएलए है ना, निजामबाद के आरमूर एमएलए, उनके ऊपर हमारे डाउट है। डाउट क्या है, 100% उन्हें ही रहता, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, कोई बिजनेसों में उसमें इसमें किसमें जाते भी नहीं हैं, खाली ऐसी बड़े लोग ऐसा जा शादियों में उधर उधर अपने अपने लोगों का नहीं जाके आशीर्वाद दे दे के आते, ऐसा आदमी हूँ मैं। अगर इन्हों मेरे से वो हमारे 200 करोड़ का जमीन है वहाँ, वो जमीन कब्जा करके बैठा हूँ, कब्जा बोले तो कब्जा नहीं, हमारे अकेले का आओ बोल रहा जाओ बोल रहा, कोई किसी को नहीं नया नहीं दे रहा, प्लाटा वाला है प्लाटा वाले को नया नहीं दे रहा, प्लाटा वाले का अपन बेचे उन कम रेट में दिए लिए तो भी, ज़्यादा रेट में लिए तो भी उन लोगों को बेचे ना अपन 2006 में बेचे, उन लोगों का प्लाटा उन लोगों को देना ना, और अंदर ही नया नहीं दे रहा उन लोग, अरे जा दामोदर से मिल लो जाओ यहाँ नहीं आना बोल के, गुंडा लोगों को रखे वहाँ 8-10 जने हैं अनिल रेड्डी बोल के। फॉर्मल एमएलए जो है कौन सी पार्टी के एमएलए, वो बीआरएस पार्टी के है, बीआरएस पार्टी पूरा सपोर्ट करने से उन्हों ऐसा हो गया, हम 10 बार कंप्लेंट दिए तो भी कोई ले रहे नहीं, छेवेले में जाके शंकरपल्ली में छेवेले में कंप्लेंट दिए तो भी, ऑलरेडी आप कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत बहुत बार 2021 से, उसके प्रूफ्स भी है हमारे पास, पुलिस अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया, अभी तक FIR नहीं कुछ भी नहीं, एक्शन ही नहीं लिए उनके फेवर में 100%। कविता कौन कौन है कि बता लेता शो कर लेता वहाँ पे CM ऑफिस में, CM कहने प्रगति भवन में CM के साथ में दिखता, उधर महाराष्ट्र गए तो साथ में जाता, बेंगलुरु गए तो साथ में जाता, उन्हें नजदीक आदमी बोल के समझते ना कोई भी, ऐसा डरते थे पुलिस वाले, कोई हमारे सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं थे, हम कोर्ट से भी डायरेक्शन लाए उसको FIR बुक करो बोल के, वो भी नहीं करे, ऐसा उन लोग उन्हों करे बोल के 100% हम डाउट कर रहे, उन्हीं करे हमारे प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे बोल के सोच रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रही उसको, जमीन का क्लियर टाइटल वगैरह पूरा कोर्ट से एक ऑर्डर भी ले लेके रखे, पूरा अपन लीगल पूरा रेडी रख लेके बैठ रहे अपन, देखेंगे कहाँ तक जाता हूँ कहाँ तक भागता बोल के। अब कौन से PS में कंप्लेंट करें आप? अब रायनर PS लोकल है ना हमारे यहाँ दिए, अब हम आपके मीडिया लोगों को नमस्ते करते हूँ सब, आप लोग थ्रू आप लोगों के थ्रू हमारे कुछ हेल्प हुए तो बहुत अच्छा है, CM साहब अच्छा आया हुआ बोल के बोल रहे, लोग बोल रहे अच्छा टाइट आदमी है, उनसे भी हमारे फायदा होएगा, और जब KTR साहब KCR साहब हमारे सपोर्ट नहीं करे उनको, उनके सब पास फिरने वाले को सपोर्ट करे हमारे, हम भी पार्टी में थे मगर हमारे को नहीं करे उन्होंने, अब मामूल आदमी ना सब राज्य पॉलिटिक्स में यही देखते, अपने काम आने वाला कौन है उनको बचा लेते, काम नहीं आने से वाले को नहीं नहीं देखते, ऐसा करें हम भी पार्टी में करें, पार्टी का वो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के रईत सेल प्रेसिडेंट भी थे हम 3 साल करे पार्टी में, हम जब तेलंगाना आने से पहले से है पार्टी में 2013 से है, तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब कंप्लेंट करें आप पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा है रिस्पॉन्स, साहब लोग तो बोले अब तुम्हारे श्याम तलाक हम